अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोटली बटन। इसको बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीक़ों से पोटली बटन बनाना सिखाऊंगी। मोस्टली जब आप अपने गले का डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पर आपको बटन्स लगाने होते हैं, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से इन बटन्स को लगा सकते हैं घर पर बना के, अगर आप बाजार नहीं जा सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक सिल्क फैब्रिक लिया है, आप किसी भी फैब्रिक से पोटली बटन बना सकते हैं। और अभी जो मैं है आपको दो तरीक़ों से बटन बनाना सिखाऊंगी, एक इस पर्ल की मदद से और एक मेरे पास इस तरह से कॉटन है, रुई है, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए होगी एक नलकी। तो अभी यहाँ से हम एक छोटा सा पीस कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दो पीसेस कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आपको दो तरीके से बटन बनाना सिखाना है। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने मर्ज़ी से थोड़ा सा पीस कट कर लें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कट कर लिया है। तो अभी ये मेरे पास है पर्ल। पर्ल आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। अगर आप बड़े पोटली बटन बनाना चाहते हैं तो बड़ा पर्ल ले लें, और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटा ले लें। इसको इस तरह से इसके अंदर रखेंगे हम। इसको अंदर रखने के बाद हम इसको इस तरह से एक इसकी पोटली सी बनाएंगे। तो पोटली बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेम कलर का धागा ले लें जिस कलर का आपने कपड़ा लिया है। तो इसको इस तरह से इसके गिर्द घुमाएं, ठीक है। घुमाने के बाद चाहें तो आप इसको गिरा लगा दें, जो पहले वाला उसका सिरा था उसके साथ। अदरवाइज इतना घुमाने के बाद आप ना भी गिरा लगाएं तो वो नहीं खुलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के इसको कट कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारे पास ये पोटली बटन बन चुका है, और इतनी जल्दी बन गया है। अभी हम एक और तरीके से बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने ये रुई ली है। आप चाहें अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा रुई ले लें, तो अगर आप थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो रुई की जो है क्वांटिटी कम कर लें। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसकी इस तरह से बॉल सी बना के इसके अंदर डालिएगा, उसके बाद इस तरह से करें, और सेम बिल्कुल पहले वाले तरीके से हम धागे को अच्छी तरह से इसके गिर्द लपेटेंगे। तो व्यूअर्स, उसके बाद आप गिरा लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, सिंपल यहाँ से आप इसको कट कर दें। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमने दोनों तरीक़ों से पोटली बटन बनाया है। ये हमने रुई की मदद से बनाया है, और ये हमने पर्ल की मदद से बनाया है। तो आप चाहें तो बड़ा पर्ल लेके बड़ा भी बना सकते हैं पोटली बटन, और इसी तरह से आप काफ़ी सारे बना के, तो जो आपके गला है वहाँ पे आप इस तरह से बटन्स बदारी बटन लगाने की बजाय आप ये बना के ये भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।